लोकेशन पे पहुंचते हैं, पर सबसे स्ट्रेंज चीज ये थी कि वहाँ कोई सेटअप ही नहीं था, तो थोड़ा सा हमारे लिए एक स्ट्रेंज रिएक्शन था कि यार क्या चीज होने वाली है यहाँ पर। Are you excited for your next Baywatch session? Yes. इस Baywatch session का नाम है Risky Frisky. चैलेंज के नाम ऐसे ऐसे एक तो होते हैं ना कि या तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए या तो बिल्कुल समझ में ना आए। कुछ फ्रिस्क होने वाला है जो कि रिस्की हो सकता है, I don't know what. लेडीज पहले आप अपने आप को चार चार की दो टीमों में बांट लो। ऐसा करते हैं, आइडियल मैच आप दो कैप्टन चुनिए, उसके बाद द कैप्टन विल चूज देयर टीम्स, ओके? ऐसा मुझे बताना था कि जो लोग को परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है उनको मैं आगे फॉरवर्ड करूं, उन्हें चांस दूं, अगर नहीं हो रहा तो सबसे पहले उन्हें किक आउट करूं। आइडियल मैच, सो इट्स ईशा एंड अनमोल। कैप्टन ईशा और कैप्टन अनमोल, ओके, चूज योर टीम्स। नैना। नैना। फिर अनमोल ने नैना को चूज किया तो मुझे पता चल गया कि वो अपने ग्रुप से ही लोग को चूज करना चाहते हैं। ईशा। अलीशा। अलीशा। निवेदिता। जैसे ये कैप्टन्स बने, यू कुड सी दैट द सेम ओल्ड ग्रुप्स आर बैक एट इट अगेन। ऋतु। दिव्या। स्टेफी। बॉयज बिल्कुल ना खुश थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि टीम्स अलग तरीके से डिवाइड हो। They didn't realize कि वो लोग मिक्स मैच कर सकते थे ताकि थोड़ी सेफ्टी दोनों टीम्स में कहीं ना कहीं रहती और वन साइडेड गेम नहीं होता। Alright, let's sit according to teams. ईशा की टीम में है obviously ईशा, रितु, अलीशा and स्टेफी। और अनमोल की टीम में है अनमोल herself, निबि, नैना और दिव्या। आज लड़कियों आपको हमारे बॉयज को बचाना है। आइडियल मैच पहले एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉय किसी भी एक लड़की को आप आठो में से चूज करेगा। दूसरी टीम के कैप्टन उस चॉइस को मद्देनजर रखते हुए कैन काउंटर, उनमें से एक को वो मौका मिलेगा कि लड़के को वो बचा सके क्योंकि लड़का बंधा होगा और उसके हाथों पे एक ताला होगा। उस ताले की चाबी भी लड़के की बॉडी पे कहीं पर है। So that means, ladies, up, don't know, you have to find the keys that are on his body. Now the interesting part is कि एक लड़की को तो उसने खुद सिलेक्ट किया है, तो obviously वो चाहता होगा कि इस लड़की को वो चाबी मिल जाए, इसीलिए चाबियां दो, जिसमें से एक गलत और एक सही। जो टीम पहले चार राउंड जीत जाएगी वो टीम ये Baywatch सेशन जीत जाएगी। आइडियल मैच, सबसे पहले कौन सा लड़का जाएगा? सो बहुत ही रैंडमली मैडी। मैडी। मैंने कहा वाह चलो पहली बार, आज पहली बार मेरा नाम पहले नंबर पे आया, बहुत खुश था मैं। कौन सी लड़की? रितु। रितु। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, मे बी उसको लगा कि रितु अच्छे से कर पाएगी तो इसलिए उसने रितु को चूज किया। अनमोल, आप किसको भेजेंगे? दिव्या। लेट्स गेट यू चेन्ड अप। जैसे ही उसके मुंह पे टेप और उसके हाथ बांध दिए गए, इतना फनी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी जेल से भाग के आया हो। Weird सा आदमी लग रहा था, छोटा बच्चा। Ritu and Divya, are you guys ready to do a little frisking? मैंने तो सोच लिया था कपड़े फाड़ दूंगी, क्या क्या कर दूंगी, बस चाबी मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। 3, 2, 1, go! उस टाइम पे मैडी को लग रहा था कि यार मतलब जो है जिंदगी वो यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है।
इतना छोटू सा, उसको अगर फिस करूं भी ऐसा लगता है कि वो मैन हैंडल हो रहा है। उसकी तो मतलब किस्मत खुल गई, हम सब लोग सोच रहे थे ना चलो यार इसका कुछ तो फायदा हुआ शो में आने का। सबसे पहले जाते ही मैंने पॉकेट्स चेक किए, पॉकेट्स में मुझे नहीं मिली तो मैंने जूते चेक किए। उतारो जींस में पीछे भी होंगी पॉकेट्स। दिस वाज माय स्ट्रेटजी कि अगर कपड़ों में ना मिले तो घुस जाओ अंदर और स्किन पे डैप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स बॉडी पे चिपकी हो सकती है। की अंदर मैंने हाथ डाला और मुझे कुछ फील हुआ मैडी के आर्मपिट में। पॉकेट्स पॉकेट्स जैकेट पॉकेट्स। दिव्या आगे जींस में पॉकेट्स हैं, जींस की जैकेट में। यस हाँ इधर ही होगी। चेक 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 बी। उसको भी तो छुड़ाओ जिसको छुड़ाना है पूरा। इतना ज्यादा वो एक्साइटेड रहती है, ताला तो खोल दिया लेकिन जंजीरें नहीं खोली और मैं ऐसे लटका हूँ बसंती गुस्सा के सामने मुझे मत छोड़ना। रितु कांग्रेचुलेशंस आप जीत गई हैं। थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब उसे कीज मिल गई थी, बिकॉज अब यहाँ पे ना चैलेंज जीतने से ज़्यादा एक दूसरे को हराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। दिव्या का मुंह ऐसे, शी वॉज गिविंग मी दोज लुक्स एंड आई न्यू अब तो तुझे हरा दिया है, अब बोल क्या बोलेगी। एशियाज टीम 1 अनमोल्स टीम 0। सेकंड राउंड के लिए कौन सा लड़का जाएगा आइडियल मैच हमें बताएंगे। बसीर। बसीर वहीं पे खड़े होकर बताओ कि कौन सी लड़की, एक लड़की तो चूज करो। नैना। दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों की टीम से नैना और एशिया की टीम से उनको काउंटर कौन करेगा? स्टेफी। 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 नैना को देख के ईशा वाज सो स्मार्ट टू सेंड स्टेफी, बिकॉज़ यू नो हाउ स्टेफी नैना एंड बसीर का जो चल रहा है। बसीर क्या तेरे को नैना पसंद है? हाँ या ना के अलावा किसी भी तरह जवाब दे। क्या तुझे स्टेफी पसंद है? ओके 3 2 1 गो। नैना और स्टेफी दौड़ते हुए मेरी तरफ आए, इंपैक्ट था मुझ पे एकदम। राइट। पता नहीं क्या सोचे वो लोग, वो मेरे बूट के अंदर हाथ डालने लगे। मैं बता रहा हूँ कि नहीं हटो हटो, कुत्तों की तरह मैं लोगों को ढकेल रहा हूँ पैर से। बसीर एंजॉयिंग। नैना ले मेरी भी हेल्प कर दे, क्या दुश्मनी है तेरी? मैं करूंगी, मैं अपने खुद से करूंगी। वो घोड़े के दांत वाला ना हेल्प करे ना हेल्प करे, जाए भी नहीं। Nana, make it quick. अलग अलग जगह। Yes. जब मैंने वो पहली की ढूंढी थी, you have no idea how happy I was. Oh no. गलत। But. That was the wrong key. Very good. Let me go. 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 Let me go.
मैं ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही हूँ. She was feeling full बसीर अंदर हाथ डाल डाल के. Finally, I started going into layer by layer उसके कपड़े. शर्ट खोल दे शर्ट खोल. बच्ची पता नहीं क्या क्या पहन रखा है उसने. जितना हेल्प करना है कर लो. स्टेफी इज द बेस्ट. रिमेंबर दैट. अगर तुम्हें स्टिल नैना के साथ जाना है सो दैट इज योर स्टूपिड चॉइस. देखते हो तुम जहां तक पहुंचते हो.